10 आसान आदतें जो 30 दिन में आपको एक नया इंसान बना देंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक सच है, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुखों और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे जिंदगी में 99% चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पे, बुरी परिस्थितियों पे, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीजें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीजों के लिए तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है
जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम कभी भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का ना होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्वों भोजन से ही मिलते हैं, इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद जहरों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे में भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो, भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं यह उसी के अनुसार काम करने लगता है, इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे,
खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में आठवीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में नौवीं आदत है रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में दसवीं आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। यह देखते ही सभी लोग समझ गए कि अब यहां से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।